की डिस फिल्म तो हम सबने देखी होगी। इसका एक डायलॉग बहुत मशहूर हुआ, पनीर तो बेटा कुछ दिनों में इतनी इतनी थैलियों में सुनार की दुकान पर बिकेगा। फिल्म बढ़ती महंगाई पर आम लोगों के दर्द को भले हल्के फुल्के अंदाज में बयां कर गई, लेकिन देश के करीब 70% घरों का यही रोना है। खैर, लोगों ने पनीर खाना तो छोड़ दिया, लेकिन अब यही आंसू आलू लोगों की आंखें निकाल रहा है। सब्जियों के राजा आलू का भाव सातवें आसमान पर पहुंच चुका है। खराब मौसम की वजह से इस बार देश के दूसरे बड़े आलू उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल में पैदावार घट गई है। पैदावार कम होने का सीधा असर आलू के दाम पर दिखाई दे रहा है। दरअसल आलू की खेती सर्दियों के मौसम में होती है। इस बार किसानों ने जिस वक्त आलू की बुआई शुरू की, तभी से बारिश शुरू हो गई थी। सर्दियों में कई बार भीषण बारिश हुई, जिसके आलू के पौधे की वृद्धि रुक गई। यहाँ तक कि फरवरी के अंतिम हफ्ते में भी जोरदार बारिश हुई और ज्यादातर राज्यों में जनवरी से अगस्त आलू की कोड़ाई शुरू हो जाती है, जो मार्च तक चलती है। पर इस बार मौसम की मार के कारण पैदावार कम हो गया है। जी हाँ, आपको बता दें, धनबाद के आलू व्यापारी दिलीप साहब ने बताया कि फिलहाल स्थानीय बाजार में आलू 22 से 24 रुपए प्रति किलो की दर से बिक रहा है। आगे आलू के दाम और बढ़ने की आशंका है। सीजन के आखिर में दाम नियंत्रण के बाहर तक जा सकते हैं। दिलीप ने बताया कि इस बार उत्तर प्रदेश से आलू आ रहा है, यहाँ तक कि बंगाल में भी यूपी का ही आलू जा रहा है। धनबाद में सबसे अधिक बंगाल के ज्योति आलू की खपत होती है। आलू उत्पादन की बात करें तो उत्तर प्रदेश 150 लाख टन आलू का उत्पादन करता है, वहीं पश्चिम बंगाल 110 लाख टन आलू की उपज कर रहा है। इन राज्यों के लोग खाते बंगाल का आलू। पश्चिम बंगाल के आलू को प्रमुख रूप से झारखंड, ओडिशा, असम राज्य में सप्लाई किया जाता है। इन राज्य के लोग बंगाल के आलू खाते हैं। दिलीप ने बताया कि पश्चिम बंगाल में पिछले एक माह में आलू की कीमतों में भारी इजाफा हुआ है। बाजार में चंद्रमुखी आलू 45 रुपए प्रति किलो के भाव से बिक रहा है, जिसके कारण धनबाद सहित झारखंड के व्यापारी इस आलू खरीदने से कतरा रहे हैं, जबकि ज्योति आलू 28 रुपए किलो बिक रहा है। थोक बाजार में 50 किलो की बोरी को व्यापारी 1200 रुपए में बेच रहे हैं, जबकि यूपी का आलू 900 से 1000 रुपए प्रति बोरी के हिसाब से बेचा जा रहा है। खुदरा विक्रेता अशोक साहब का कहना है कि थोक बाजार से खुदरा बाजार में आलू लाने से नष्ट हो जाते हैं, इस कारण खुदरा बाजार में कीमतें बढ़ जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।